ख्वाजा साहब के दरबार में बुलावा था और सखी साहब का इनविटेशन था। ख्वाजा साहब जब बुलाते हैं तो कोई रुकता नहीं चला आता है। और रही दुआओं की बात, ख्वाजा साहब को तो सबके मन की सारी दुआएं, सारी मुरादें पता है, उसमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। मेरी दो फिल्में आने वाली हैं, एक है अनीस वज़ीर के साथ जिसमें शाहिद कपूर हैं, अनिल भाई हैं, और रश्मिका मंदाना जो पुष्पा में थी, और एक फिल्म है मेरी मार्ग जो रिलीज़ होगी 2024 दिसंबर में, और अनिल भाई की रिलीज़ होगी 2025। कोई मेरी ऐसी मुराद नहीं है, बस ये कि मुझे हर कदम कदम कामयाबी मिले, और जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ उसमें मेरा मकसद मुझे कामयाबी तक पहुँचाए, और बस एक मुकाम, अच्छा मुकाम मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बॉलीवुड बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा सा डाउन हुआ था, पर अभी ठीक ठाक चल रहा है, कोई मुश्किलें नहीं आ रही है उसमें। थोड़ा सा अप डाउन होता है हर काम में, बिजनेस में, काम में, ऐसे बॉलीवुड का भी था, तो ऐसा इसमें कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। जिस तरीके से देखा जाता है कश्मीर फाइल और अपने केरल स्टोरी, इस तरीके से फिल्में आती हैं, कितना बॉलीवुड का असर पड़ता है या ऐसे? अब कश्मीर फाइल जो बनाई थी फिल्म, या जिस स्टोरी को लेके बनाई थी, वो उनका थॉट था। अब हमारे बॉलीवुड पे और हिंदुस्तान के हिसाब से इन लोगों की सोच अलग है, अब क्या कह सकते हैं, अब हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है, इसमें कुछ अभी चला मेरा बच्चा, मैं आपसे कहाँ लोग, मैं आपसे